दो मंजिला कपड़ा गोदाम में लगी आग, लपटे हुआ धुआं देख लोगों में दहशत, लाखों का सामान जलकर खाक। दो मंजिला कपड़ा गोदाम में लगी आग, लपटे हुआ धुआं देख लोगों में दहशत, लाखों का सामान जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बीती रात घर में बने कपड़े के गोदाम में आग लग गई। जब तक किसी को पता चलता आग ने विकराल रूप ले लिया, लपटे निकलती देख मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। व्यापारी का लाखों का माल जलकर राख हो गया। हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के छपट्टी मोहल्ले में हुआ। यहाँ के निवासी दीपक अरोड़ा कपड़े का व्यापार करते हैं। उन्होंने अपने दो मंजिला मकान में अपना गोदाम बना रखा है। बीती रात शॉर्ट सर्किट से कपड़े के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दो मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर टीम आसपास के लोगों ने घर से लपटे और धुआं निकलता देखा तो भागकर पहुंचे। उन्होंने फायर टीम और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर फायर टीम और पुलिस मोहल्ला पहुंच गई। घर तक पहुंचने का रास्ता संकरा होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में कठिनाई हुई। लोगों में दहशत का माहौल, आग के तेज लपटे देख आसपास को लोगों में दहशत का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। व्यापारी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से निकली एक चिंगारी से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना के बाद पूरी रात मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल रहा।